नमस्कार दोस्तों, केआर ग्रुप में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कहीं आने जाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए कुछ नया शूट भी नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब में डालने के लिए। घर में बैठे बैठे सोचा, क्यों ना मैं आप लोगों को अपने 30 साल की मेहनत के कुछ पल दिखाऊँ। इतने सालों में मैंने जो कुछ सेलिब्रिटी लोगों के फोटोग्राफ्स किए हैं, वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हर फोटोग्राफ का एक इतिहास है। सब फोटोग्राफ्स के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जिन जिन फोटोग्राफ्स के बारे में मैं आपको बता पाऊँगा, मैं बता रहा हूँ। और ध्यान से सुनिए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों, लता जी की फ़ोटो के बाद जो शाहरुख भाई का फ़ोटो आ रहा है, ये सबसे पहले मैंने उनकी फ़ोटो निकाली थी सर्कस सीरियल से पहले, जब वो सर्कस के मीटिंग के लिए बॉम्बे आए थे शाहरुख मिर्जा जी के साथ। तो फिल्म सिटी में मैंने उनकी ये फ़ोटो निकाली थी, और फ़ोटो निकालने के बाद मैंने उनसे नाम पूछा था, सर आपका नाम क्या? तो उन्होंने कहा था, मेरा नाम शाहरुख खान है। और उसके बाद जो दूसरी फ़ोटो आपने देखी, वो पूना में सर्कस सीरियल के शूटिंग के टाइम में है, पूना में मैं गया था, वहाँ सेकेंड मीटिंग मेरी शाहरुख खान साहब से हुई थी। दोस्तों, जूही चावला जी, मीनाक्षी सेशाद्री जी, आमिर खान, इन लोगों को लाइटिंग का बहुत नॉलेज है, इसलिए लोग हमेशा ना शाम को 4 या 3 बजे के बाद फोटोग्राफ देते हैं, जब बहुत हैवी बैकलाइट रहती है उस टाइम, वो समय ये लोगों को बहुत पसंद है फ़ोटो देने का। तो अक्सर जब भी जूही जी के, मीनाक्षी जी के और आमिर खान जी के मैंने फ़ोटो शूट किए हैं, तो शाम के टाइम में ही वो लोग ज़्यादा 3-4 बजे के बाद फोटोग्राफ देते हैं, जब उनको हैवी बैकलाइट रहती है। श्रीदेवी जी, रेखा जी, माधुरी दीक्षित, चैकी दादा, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत मदद की इन लोगों ने। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, माँ बाप का आशीर्वाद रहा है, कि बहुत बड़े दिग्गज कलाकारों का फोटो खींचने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अशोक कुमार, दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी, अमिताभ बच्चन, रेखा जी, जूही चावला, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, है ना, विद्या भारती, जया प्रदा, श्रीदेवी जी, रेखा जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इनके शिल्पा जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, पता ही नहीं चलता पूरा दिन उनके साथ कैसे निकल जाता है, कब सुबह हम लोग घुसते हैं स्टूडियो में, कब शाम को 6 बज जाते हैं, पता नहीं चलता, बहुत हंसमुख हैं। और ऐसी जूही जी भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत से लोगों के साथ मैंने काम किया है, ट्विंकल खन्ना हैं, काजल हैं, तो करिश्मा कपूर जी का भी बहुत अच्छा नेचर है, उनकी मम्मी का भी अच्छा नेचर है, तो आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। गोविंदा जी के साथ भी बहुत काम किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि इन लोगों ने मुझे चांस दिया फ़ोटो खींचने का, जब भी अरेंज किया खड़े हो गए फ़ोटो खींचने के लिए, और काफ़ी मदद इन लोगों ने की है। मैं इन लोगों का बहुत बहुत, इस फिल्म इंडस्ट्री का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, ये फोटोग्राफ्स अमित जी के पुराने बंगले प्रतीक्षा के हैं। सुमंत भाई साहब टाइम्स की तरफ से, नवभारत टाइम्स की तरफ से मुझे उस बंगले में लेके गए थे, उस दिन हरबंश राय बच्चन जी की शादी की 50वीं वर्षगांठ थी। तो जितने भी फोटोग्राफ्स अमित जी के परिवार के खींचे हुए हैं मैंने, तो सुमन भाई साहब की मेहरबानी है। उसके बाद तो मैं कई बार प्रतीक्षा बंगले में गया हूँ, एक बार नहीं 5-6 बार, और सुमन जी के साथ ही उनकी लिखी हुई बुक्स, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ, कि रिलीज पर भी मैं उनके नए बंगले में जलसा में गया था, जहाँ मैंने पहली बार उनके साथ अपनी एक फ़ोटोग्राफ्स निकाली अमित जी के साथ। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, आपके सभी घर के बुजुर्गों और बच्चों की जिम्मेदारी आप लोगों पर है, कृपया सोशल डिस्टेंस अपनाइए, मास्क अपनाइए, हो सके तो, कोई ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें,
आजकल दरवाजे पर ही किराने के सामान, सब्जी, तेल, भाजी सब आ जा रही है, दूध आ जा रहा है। और अपनी सेफ्टी रखिए, अपना ख्याल करिए और सबको समझाइए कि सोशल डिस्टेंस पालिए और मास्क लगाइए, इसमें ही हम सब लोगों का भला है। आप स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और फिर मिलूँगा किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।